अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पप्पू भी एक मिनट, शॉट तो मैंने बना लिया। अच्छा कहाँ रहते हैं आप? अच्छा क्या कुछ हुआ था आपको फिर आप जिला अस्पताल भर्ती हुए? क्या मामला है पूरा? बुखार आया था बस। हाँ और सर दुखा था तो वहाँ से टॉक गए थे तो वहाँ पे बाटल वाटल चढ़ रही थी ना हो गए अच्छे तो यहाँ का उन्होंने बोल दिया कि देखा चलेगा। अच्छा क्या आपके परिवार में और कोई भी बीमार है क्या अभी? अपने परिवार में कोई भी नहीं। गाँव में और कोई बीमार है? गाँव में घर से बाहर नहीं जाते पर पता नहीं, पता चला कुछ लोग बीमार है क्या? और भी दो बच्चे का पता चला। अच्छा तो वो भी यहीं पे। अच्छा क्या कुछ बताया था आपको वहाँ से किस क्या बीमारी है? और वहाँ तो कीटाणु कम बताया। अच्छा फिर आप यहाँ भर्ती हुए? हाँ। अभी कैसी हालत है आपकी? क्या नाम है आपका? कौन से गाँव में रहते हैं? हमारी पूरे गांव में फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है? कुछ भी नहीं सर, वो तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ। अच्छा ये जो बीमार पड़ा है ये कौन है? ये आपका क्या लगता है लड़का? आपने क्या हुआ था? लगता है क्या हुआ था इसको? बीमारी किस प्रकार के लक्षण आए थे? कहीं भी नहीं आया, बुखार आ रहा है। कैसे आया था, क्या मालूम पड़ा था कि किस प्रकार से बुखार आ रहा है? सर हल्का सा बुखार है, कुछ भी नहीं। पहले क्या हुआ था इसको? पहले कहीं नहीं, बुखार आया था, सिर दुखाने बुखार आया। गांव में और भी लोग बीमार हैं सूचना है? नहीं ऐसा कुछ। अच्छा ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की वहाँ डेट भी हुई थी, कुछ बीमारी हो गई थी, कुछ मरे हैं बच्चे वहाँ पर? अरे कहीं भी दिक्कत नहीं है, कोई कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये आपका लड़का है? क्या नाम है इसका? आपका नाम क्या है? कौन से गाँव रहते हैं? अच्छा इसको एकदम क्या हुआ था कि वहाँ भर्ती कराना पड़ा? ये कहाँ से आया था और उसने क्या बोला आपको घर में कि मेरी तबीयत बिगड़ गई एकदम? अरे कहीं नहीं, वो तो हल्का सा बुखार आया घर में और क्या। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? अंजुम भी। ये बच्चे का नाम क्या है? आसिया। क्या हो गया इसको? इसको खून की कमी है, कमजोरी बताई तो इसने यहाँ एमजी में पहुँचा। पहले कहाँ भर्ती था ये? टोंक में। अभी इसको कहाँ भर्ती कराया है? देवास। देवास जिला अस्पताल में। हाँ। क्या क्या बताया बच्चों को? कमजोरी और खून की कमी। कितने दिन से वहाँ भर्ती था? एक ही रोज रखा, दूसरे रोज पहुँचा दिया। यहाँ कितने दिन हो गए इसको? आज दो रोज हो गए। आज दूसरा रोज है। क्या बोल रहे हैं यहाँ के डॉक्टर? ये कह रहे हैं कि दो तीन रोज में हो जाएगी छुट्टी। हो जाएगी। कहाँ पे दिखाया था उसके बाद आपने? वहाँ से क्या कोई जांच आज लिखी थी? मैं जांच में तो खुद नहीं करती डॉक्टर ने, तो कीटाणु कम बताए थे, प्लेटलेट कम बताया, दवा भी। अच्छा आपके अलावा और कौन बीमार पड़ा है? हाँ कौन है वो? बच्चे हैं। और भी हूँ गांव में, और भी लोग हैं बीमार। हाँ कितने बीमार हैं? फिर भी अंदाजन कितने होंगे? 20-30 कितने होंगे? दो बच्चे होंगे, ज़्यादा तो नहीं है ना। अच्छा आपको डॉक्टर ने क्या बताया था कि क्या हुआ है आपको? बुखार था बस। अच्छा क्या नाम है? जांच के बाद उन्होंने बताया था, क्या बोल के पूछाया था कि डेंगू क्या होगा? जांच आई थी उसमें तो उन्होंने बोला था ब्लेट कम हो और कीटाणु कम हो, तो वो तो बचाओ घर से, तो हो गए थे। कब से भर्ती हैं आप यहाँ पर? सोमवार के दिन। क्या नाम है आपका? सिंगल। क्या नाम है? सिंगल ही ले लो मालूम मेरे को। क्या शुभ नाम है आपका? अंशु खत्री। कहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर हैं आप? ड्यूटी डॉक्टर नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ यहाँ पे, शिशु रोग वार्ड में। अच्छा यहाँ पे जो बच्चा भर्ती है इसके पास पड़े, कहाँ से रेफर हुआ है ये? कल रेफर हुआ था टोंक खुद से और हमने कल इसे मैनेज किया। क्या स्थिति है इसके? स्थिति अच्छी है अभी इसकी। सुबह हमारे यहाँ राउंड होता है डॉक्टर का, सुबह डॉक्टर देख के गए हैं, जाँचें भी सब बढ़िया आई है इसकी। टोंक से कितने बच्चे यहाँ पर रेफर हुए हैं? फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ पे टोंकू से यही बच्चा रेफर हुआ है ना। एक प्रेग्नेंट लेडीज भी है शायद वहाँ पर, प्रेग्नेंट? हाँ वो आइडिया नहीं, वो उधर होंगे। क्या बताया था टोंक से रेफर करा करा तो क्या बोल के रेफर करा था? क्या ये फीडिंग नहीं कर पा रहा था वहाँ से, और एक्चुअली NRC में भर्ती था वहाँ पे, तो बच्चा कमज़ोर था इस वजह से यहाँ पे रेफर किया था इसको। मैम देवास जिला के टोंक खुर्द में जो महामारी की जो अभी दो बच्चे का सुनने में आया है, दो लोगों की मृत्यु हुई है, इस बारे में आपकी टीम और आप कहाँ जा रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो?
जी वहाँ ग्राम खेड़ा माधोपुर से मुझे सरपंच का सूचना दी थी सरपंच ने 3 तारीख को शाम को कि एक मृत्यु हुई है बुखार से। तो रात को ही हमने टीम लगा दी थी और वहाँ पर पूरा हाउस टू हाउस विजिट करा के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया था। फिर 4 तारीख को हमने वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर पूरे गांव में हमने मलेरिया सर्वे करवा लिया, ब्लड सैम्पलिंग करवा ली और साथ में हमने लार्वा सर्वे करवा कर टीमोफॉस वगैरह जो प्रिकॉशन तौर पे करना चाहिए वो सब किया और हमने पूरे पंचनामे वगैरह बना के हमारी हायर अथॉरिटी उन्हें सूचित कर दिया था। जी मैम अभी पेशेंट को वहाँ पर रखा गया है मतलब और कुछ पेशेंट सामने आए हैं? अभी तो वो एक बच्ची का जो हुआ तो सडन एक दिन का फीवर था जो प्राइवेट उन्होंने इलाज कराया था, फिर वो अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो 2 दिन के मतलब एक दिन फीवर आया, दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ही सूचना मिली थी। जी मैम हमने 2 बच्चों को, एक महिला और एक बच्चे को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास में एडमिट करवाया, रेफर किया है। और जब हमने ब्लड सैंपलिंग सर्वे करवाया था उस समय हमने 21 लगभग 20 से 21 पेशेंट हमने वहाँ रेफर कर दिए थे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया और तब से हमारी टीम लगातार काम कर रही है वहाँ पे। और अभी ऐसी कोई फीवर केसेस आ रहे हैं लेकिन हमारा डॉक्टर्स की टीम और स्टाफ की टीम वहाँ काम कर रही है। जी मैम अभी सूचना में आया है कि आप वहाँ पर पहुँच रहे हो ग्राउंड रिपोर्ट, तो अभी क्या स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी टीम वहाँ पर दौरा करने आ रही है, इसलिए उन लोगों को पूरी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो इसलिए हम लोग भी वहाँ पर। जी मैम आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर माया कल्याणी हूँ, चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक टोंक खुर्द में पदस्थ। थैंक यू।